पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गनी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं और घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए प्रचार अभियान चलाया जा रहा है और चौधरी अब्दुल गनी के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। इस अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और उन्हें उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने जमीनी स्तर पर कनेक्टिविटी के महत्व पर जोर दिया और पार्टी के विकास के लिए अथक प्रयास करने का वादा भी किया है। लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मोदी सरकार में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, लोगों को पता चले, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करवा रहे हैं कि उन्हें पता चले कि आज तक जो काम हुए हैं और जो हमें ST स्टेटस मिला है, जो भी हमें मोदी सरकार आज तक फ्री राशन मिल रहा है और जो योजनाएं बनाई हैं मोदी जी ने, ये सब लोगों को हम डोर टू डोर जाकर, वैसे तो लोग जानते हैं लेकिन फिर भी कई बार होता है ना, इंसान भूल जाता है, तो उन्हें याददाश्त वापस ताज़ा करवाने के लिए हम जा रहे हैं कि अपना कीमती वोट, अगर आप देश का विकास चाहते हो, राष्ट्र का विकास चाहते हो, J&K पुंछ का विकास चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल को ही खिलाएं। आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्टी का एक प्रोग्राम आया था 10, 11 और 17, 18 को, जो हर घर जो प्रोग्राम है, जो हमारा संकल्प जो हमने लिया है इस इलेक्शन को लेके, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो हम हर घर पहुंचा रहे हैं कि जो भाजपा का 10 साल का पिछला विकास और जो आगे आने वाला, खसूसी जो जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा आने वाले टाइम में जो हमने रखा है, संकल्प लिया है, कि वो हम हर घर पत्रक पहुँचा रहे हैं।